हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी दोस्त नैन्सी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड, जो आपको यहाँ हर गली, हर मोहल्ले, हर सीज़न में यहाँ अवेलेबल होता है। और घर पे हम उसे कितने भी अच्छे से बना लें, पर वो मार्केट वाला टेस्ट नहीं आ पाता। तो आज मैं वो मार्केट वाला टेस्ट आपको घर पे ही ला के दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे किचन में मैं और आप मिलके बनाते हैं दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड छोले कुलचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने छोले बनाना। छोले बनाने के लिए एक तो इस टाइप से छोले आते हैं, और एक ये इस टाइप से मटरा स्ट्रीट पे यूज़ किया जाता है। तो आप दोनों तरीक़ों से ही बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि छोले कम ज़्यादा सिटी में कुक होते हैं, और मटरा को कम टाइम लगता है कुक होने में। इसमें सिर्फ दो ही विसल की ज़रूरत होती है, जबकि हमें हमारे छोलों में 4 to 5 विसल्स की नीड होती है। तो मैं दोनों से इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। मैं आज छोलों से बनाऊँगी तो मैं आपको उससे बता देती हूँ। ये मैंने ओवरनाइट कल ही भिगो के रख दिए थे। आप जब भी इसमें बनाएं तो आपको ओवरनाइट इन्हें सोक करके रखना होगा। तो मैंने ये सोक करके रखे थे, ये रहे मेरे सोक किए हुए, ये मैंने ओवरनाइट किए थे। देखिए कितने ये सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। अब मैंने इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया, और वाटर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है इसमें, इतना कि सिर्फ आपकी थोड़ी सी फिंगर डिप हो जाए, ये देखिए। अब मैं इसे सॉल्ट डाल के प्रेशर कुक होने के लिए गैस पे रख दूँगी, और इसमें हाई फ्लेम पे मैं एक विसल और स्लो फ्लेम पे 3 विसल इसमें लगाऊँगी। ये देखिए छोले मेरे प्रेशर कुक हो गए हैं। एक टिप कि जब भी छोले हम बॉईल करते हैं, हमारा ना कुकर का ढक्कन बहुत गंदा हो जाता है, उसके लिए एक टिप है कि ये जो इसमें होल है, यहाँ पे आप 2 to 3 ड्रॉप्स ऑयल की अगर आप इसमें डाल देंगे तो कभी भी आपका प्रेशर कुकर का कैप कभी भी गंदा नहीं होगा। ये मेरी टिप है आपके लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपने छोले। छोले अच्छे से बॉयल हुए हैं, बहुत सॉफ्ट है, और ना तो ये मैशी हुए हैं और ना ओवर कुक हुए हैं। देख लेते हैं इसकी सर्विंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ नीडेड है। सबसे पहले तो हम इमली को भिगो के रखेंगे 1 घंटा पहले, और उसका जो वाटर है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। अभी मेरे पास धनिया नहीं है, जो मार्केट वाले हैं जो स्पेशल चीज़ इसमें डालते हैं जिसकी वजह से टेस्ट का वो डिफरेंस आता है, वो होता है धनिया, हरी मिर्च और ये इमली का पल्प। तो इसकी वजह से मार्केट और घर में स्वाद में डिफरेंस आ जाता है। आपने देखा होगा उनके ठेले पर एक डब्बा रखा होता है जिसमें से वो एक ग्रीन ग्रीन सा वाटर छोलों पर डालते हैं, वो यही है। इसका भी मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं और जो डालूंगी वो अनियन, टोमेटो, ग्रीन चिली और थोड़ा सा अदरक, और एक स्पेशल चीज़ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसमें जो बेसिक मसाले जाएंगे वो हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच इसमें मैंने आमचूर पाउडर लिया है, ये मैंने कस्तूरी मेथी लिया 1 चम्मच, मैंने इसमें 1 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लिया है, और मैंने इसमें लिया है 1.5 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और इसमें एक बेसिक मसाला है जो स्पेशल मसाला ठेले वाले अपने ठेले पे बना के रखते हैं, जो छोले बनाने के बाद उस पर स्प्रिंकल करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, और उसमें मैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालूंगी। ये मेरा होममेड जीरा पाउडर है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें मसाले। और इसके साथ मेरा जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ये देखिए मैंने 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाला है। तो ये वो बेसिक मसाला है जो वो अपने छोलों पर स्प्रिंकल करते हैं। और एक टिप, अगर ये मसाले आप फ्रेश ही भून के पीसेंगे तो उसका और एक बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। अब जो मेरे अनियन थे, टोमेटो थे और ग्रीन चिलीज़ और जिंजर था, उनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और एक प्याज को मैंने ऐसे लंबाई में लेंथ वाइज कट किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। और अब बारी है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट की, जो उसके मैंने आपको पहले बताया था, वो है ये बॉयल पोटैटो। हाँ जी, बॉयल पोटैटो हर कोई यूज़ करता है, बट मैं इसे भी कुछ चेंजेस के साथ ऐड करूँगी अपने छोलों में, जिससे क्या होगा वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। आलू को मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसे क्या करूँगी, एक आयरन की आपको कढ़ाई लेनी है, 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, बस इतना ही ऑयल डलेगा। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें रिफाइंड भी ले सकते हैं और आप इसमें देसी घी भी ले सकते हैं। ये ऑयल हीट हो गया है, अब मैं इसमें पोटैटो को शैलो फ्राई करूँगी।
ये देखिए मैंने सारे पोटैटो इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मैं इसे अलट पलट के फ्राई करूँगी। और यही मेरी वो टिप है कि जिसकी वजह से छोलों का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है। आप भी एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा अपने छोले कुलचों के साथ, इसे ज़रूर सर्व करिएगा फ्राइड पोटैटो को, इससे छोले कुलचों का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। चलिए अपने छोलों को सजाना शुरू करते हैं। जी हाँ, उन्हें रेडी करते हैं। तो उसके लिए तो इसमें मैं अब सारी अपने कटिंग जो मैंने करके रखी थी वो ऐड कर दूंगी। अनियन, जिंजर, अपना ग्रीन चिली, टोमेटो, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अभी मैंने थोड़े से ये अनियन लंबे वाले ये रोके हैं और हाफ टोमेटो मैंने इसमें अभी रोके हैं। इसके साथ मैं अभी आगे कुछ करने वाली हूँ। और अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसमें जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगी। वो मसाले मैं सारे इसमें ऐड ऑन नहीं करूँगी, थोड़े से मैं रोकूँगी बाद में ऐड करने के लिए। और जो स्पेशल मसाला मैंने इसमें बनाया था स्ट्रीट स्टाइल वाला, वो भी मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी। ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए और आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ चीज़ें मैंने अभी इसमें रोकी हैं, सारे मसाले थोड़े थोड़े मैंने इसमें अभी बचाए हैं। ये तो हो गया, इसी स्टेज तक आपको स्ट्रीट पे मिल जाता है वो इसमें। इस टाइम पे इमली का जो पानी है वो धनिया वाला जो ग्रीन वाटर है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अभी मैं इसमें एक प्रोसेसिंग आगे करूँगी वो दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल लूँगी और ऑयल जैसे ही हीट हो जाएगा मैं उसमें अनियन डाल के थोड़ा सा लाइट फ्राई करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मुझे सिंपल बस टॉस करना है अपने अनियन और टोमेटो को। मैं थोड़ा सा ऑयल में टॉस कर लूँगी। और आप ध्यान रखिएगा गैस सिम पे ही रखना, बहुत हाई नहीं रखनी है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये मैंने टोमेटो भी डाल दिए हैं और अब जो मेरे बचे हुए मसाले थे वो भी मैं अब इसमें डाल लूँगी। मेथी डाल ली है मैंने इसमें और ऐसे ही मैं सारे मसाले जो मेरे बचे हुए थे, धनिया पाउडर, वो सब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इन मसालों को भी मैं इसके साथ थोड़ी देर टॉस करूँगी। ये काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा ऐड मत करिएगा क्योंकि जो स्पेशल मसाला है उसमें भी काली मिर्च का पाउडर डाला हुआ है। अब ये सारा मसाला जो मैंने फ्राई किया है ये मैं अपने बने हुए छोलों में ऐड कर दूंगी और मैं इसकी अब प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे यम्मी से छोले बनके तैयार हैं और देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया। इसमें बस अब एक इंग्रेडिएंट है जो रह गया है, वो है ये इमली का पानी, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इमली का पानी ऐड कर दिया, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप टेस्ट करके भी इसे ऐड कर सकते हैं। मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसे ये प्लेटिंग भी कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया और मैंने इसे अनियन के साथ गार्निश कर लिया है और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। अब मैं इसमें ये मेरी फ्राइड ग्रीन चिलीज रख दूँगी और ये मेरे फ्राइड आलू जो मैंने आपको पहले दिखाए थे इसके साथ मैं इसे सर्व करूँगी। अब मैं एक लेमन इस पर स्क्वीज़ कर लूँगी और बस ये मेरे छोले कुलचों की प्लेट में छोले रेडी हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए, देखिए कितने टैम्पटिंग लग रहे हैं। अब मैं इसे होममेड अपने कुलचों के साथ सर्व कर लूँगी। ये देखिए मैंने ये कुलचे घर पे ही बनाए हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये कुलचे और ये आप भी बना सकते हैं। मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बनाए, देखिए कितनी अच्छी जाली इसमें पड़ रही है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी जाननी हो मैं ऊपर आई बटन पर आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं और छोले कुलचे घर पर बना के आप खुद भी खा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी खिला सकते हैं। तो घर पे रहिए, एंजॉय करिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।